यार दोस्तों, एडसेंस डिसेबल हो गया तो क्यों हुआ? ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है, ठीक है? तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आपके पास 100 सब्सक्राइबर है या फिर 1 लाख सब्सक्राइबर है, पूरा वीडियो देख लेना, तो आपको भी ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं होगा, ठीक है? दोस्तों, मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विक्रम यूट्यूब चैनल का। इस चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि अपने चैनल में इसी तरीके का एडसेंस रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो हम इस चैनल पर आपको ज़रूर सॉल्व करके देंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। तो दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसका एक नया चैनल उन्होंने क्रिएट किया है। उनका हाल ही में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था और उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया, मतलब एडसेंस अप्रूवल उसे उन्हें मिल गया, ठीक है? तो क्या हुआ, वो जब अपना वीडियो पहले बनाता था, वो बहुत मेहनत करके अपना वीडियो बनाता था, अपना क्वालिटी कंटेंट देता था, ठीक है? उसी के कारण उनका चैनल मोनेटाइज हुआ, आप लोग जानते होंगे, ठीक है? तो उनका चैनल मोनेटाइज तो हुआ, उसके बाद उन्होंने गलतियाँ क्या क्या की वो मैंने उनके चैनल पर जाके विज़िट किया और मैंने जाना क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम किया था, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट करके रखा था। उन्होंने प्रॉब्लम क्या क्या किया था, नया जब पहले जब चैनल था उन्होंने अपना फेस दिखा के अपना वॉइस ओवर करके वीडियो बनाया था, ठीक है? और अभी के टाइम पर उनको क्या लगा कि एडसेंस तो मेरा एक्टिव हो गया, तो इससे क्या होगा अगर वो अदर्स वीडियो डालने लगा जिसमें क्या कोई नाच रहा है कहीं पे, खेत पे कोई गाय, मतलब कुछ भी, मैंने कुछ भी वीडियो वो डालने लगा, ठीक है? जिसके कारण उनका कोई उसके चैनल पे मतलब अपना फेस वैल्यू नहीं रहा, ठीक है? और अपने वीडियो पे ऐड आने लगता था तो वो खुद ही क्लिक करता था। तो गलती ये सबसे बड़ा गलती है, कभी भी अपने वीडियो को खुद मत देखना और अपने ऐड पे क्लिक मत करना, ठीक है? तो ये जब भी उन्होंने किया तो उनको गूगल को लगा कि ये कोई फ्रॉड कर रहा है, ठीक है? तो इनको इनवैलिड एक्टिविटी के कारण इनका चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो गया। तो इसी तरीके का प्रॉब्लम आप सभी को हो सकता है अगर कुछ रूल्स आप फॉलो ना करें तो। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको, ठीक है? सबसे पहला जो बात है आपको ये दिमाग में रखना है, जब भी चैनल मोनेटाइज हो उसके बाद अपना कंटेंट एकदम फ्रेश कंटेंट देना है, कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं देना है, ठीक है? सेकंड, अपना चैनल का जो एडवर्टाइजमेंट है वो खुद मत देखना है। अपने चैनल कोई दोस्त के मोबाइल से आप देख सकते हो एक बार दो बार, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। इससे क्या होता है, इनवैलिड एक्टिविटी के जो चांसेस है अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? तो इससे आपके चैनल को ही नुकसान है। तो गाइस, इसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम उनके चैनल पे हुआ। मैं विज़िट किया था उनके चैनल पे तो देखा कि बहुत ही मतलब कैसा कैसा वीडियो डाल के रखा है, किसी जगह पे घूमने जा रहा है, कोई भी मतलब उनका कोई वहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, ठीक है? तो इसी वजह से उनका चैनल एकदम से डिसेबल हो गया। और आप सोच सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने में और 1000 सब्सक्राइबर मतलब अपने आप जुगाड़ करने में, ठीक है? जुगाड़ मतलब क्या, कोई भी मतलब एक सब्सक्राइबर आपके पास आता है तो आपके दिल को सुकून मिलता है, ठीक है? तो 1000 सब्सक्राइबर आने में कितना टाइम लगा होगा आप समझ लीजिए, ठीक है? मिनिमम उनको चैनल मोनेटाइज होने में 9 से 10 महीना लग गया था। तो 9 से 10 महीने का जो भी उन्होंने काम किया था सब एकदम बेकार हो गया। तो ये सब गलती आप लोग मत करना। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बाकी आपको ये सलाह देने के लिए। अगर आपका चैनल भी, अगर आपके पास एक भी सब्सक्राइबर है और अगर आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर है तो भी आप ये वीडियो ज़रूर देखना और सबको शेयर करना। ये प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है? गूगल एडसेंस को अगर पता चल गया कि ये मतलब उनको उनका इस तरीके का एक एल्गोरिथम रहता है जो कि वो तो यहाँ पे मैन टू मैन कोई काम नहीं करता, ठीक है? तो वीडियो को जो भी वो देखते हैं उसके ऊपर वीडियो का मतलब कुछ भी अनवैलिड एक्टिविटी मतलब अनयूजबल कुछ भी उनके वीडियो के साथ हो रहा है तो वो इसी वजह से अपना चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो गया उनका, ठीक है? तो गाइज, आप लोग ये गलती कभी मत कर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको जो भी समझाया आपको समझ में आ गया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहेगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर।